कल जेएसएससी पीजीटी एग्जाम के जो परीक्षार्थी थे वो हमसे मिले थे और वो लगातार राजभवन के सामने पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। पीजीटी की परीक्षा को लेकर के शुरू से कोई ना कोई प्रश्न उठता था, अभ्यर्थी बार बार इस विषय को लेकर के सशंकित थे और राज्य की सरकार को यह मांग कर रहे थे कि भाई इसमें धांधली हुई है, इस धांधली को कैसे ठीक करना है यह देखना चाहिए। कई एक आवेदन उन लोगों ने जेएसएससी के ऑफिशियल्स को, सरकार के ऑफिशियल को, स्वयं मुख्यमंत्री को और बाकी लोगों को दिया है, लेकिन राज्य की सरकार पूर्व के परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी उदासीन बनी रही। उन लोगों ने जो प्रमुख बातें जो इस आवेदन में दिया है उसमें जो दिखता है, एक ही सेंटर से जब बच्चे टॉप करते हैं, एक ही सेंटर में जब वैकेंसी के 70-80% बच्चे एक दो सेंटर से नियुक्ति के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं तो प्रश्न उठता है। ये आप देखेंगे जितने भी आप यह ग्रीन दाग दिख रहा है ये सब 102 नंबर कोड के परीक्षार्थी हैं जो इसमें पात्रता प्राप्त किए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं। 102 नंबर कोड यह है आपके बोकारो जिले का, एक श्रेया डिजिटल बोकारो उस सेंटर का है। उस सेंटर से जितने भी टॉप किए हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अन्य सब्जेक्ट्स का, उसमें इसी सेंटर से बच्चों ने टॉप किया है। 102 का ये जितने भी मैं दिखा रहा हूँ ये सभी 102 जो श्रेया डिजिटल बोकारो है उसका है। दूसरा एक सेंटर है शिवा, ये शिवा इन्फोटेक रांची का है और इस शिवा इन्फोटेक से भी बच्चे जो हैं वो लगातार उसमें सिरेली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आया, श्रेया डिजिटल से 513 क्वालिफाई करता है, 513 जिसमें सेंटर कोड उसका 102 है, फिजिक्स में 142 बच्चे उसी सेंटर से क्वालिफाई कर रहे हैं। आपका केमिस्ट्री में 45, मैथ में 55, बायोलॉजी में 46, कॉमर्स में 60, हिस्ट्री में 15, इकोनॉमिक्स में 22, ज्योग्राफी में 62, हिंदी में 23, संस्कृत में 14, इंग्लिश में 29, कुल मिला के 513, मैंने कुल रिजल्ट का 14.21% सिर्फ एक सेंटर से। उसी तरह शिवा इन्फोटेक जो रांची से है, 100 कोड नंबर 123, यहाँ क्वालिफाई होते हैं 279 बच्चे। एक धनबाद डिजिटल है इसमें 7.73, एक धनबाद डिजिटल है उसमें क्वालिफाई करते हैं 271, वो भी 7.50। बाकी सेंटर्स में 2% 3%, इस सेंटर में जो हम श्रेया डिजिटल की बता रहे हैं उसमें 14% और बाकी जो सेंटर बता रहे हैं जहां पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल लोगों ने बताया है, क्योंकि वो सारे छात्र झारखंड के ही हैं और सभी एक दूसरे से संपर्क में भी रहते हैं, तो उन लोगों ने साफ कहा कि इन परीक्षाओं में धांधली हुई है, सेटिंग्स हुई है, पैसों की लेन देन हुई है, हमारे पास पुख्ता सबूत है, जरूरत पड़ेगा तो हम उसको दिखाने का भी काम करेंगे। कुल मिला करके जो फाइनल सिलेक्शन दिया गया और सिलेक्शन देने के बाद जो उन लोगों ने तो ये भी कहा है कि जो बच्चे अच्छा किए हैं जिनको लेकर के कहा जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहे हैं ये कौन कंडक्ट करा रहे हैं, ये कंडक्ट कराने वाले वही एजेंसी है जो जेएसएससी या सीजीएल में एग्ज़ाम को लेकर के जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, जिसकी जांचें चल रही हैं।
ये कौन है? ये सत्वत इन्फोटेक। ये सत्वत इन्फोटेक जिसने जेएसएससी के पीजीटी का एग्जाम लिया, बाद में उसने जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया, जो जिसपे एसआईटी की गठन हुई, ये अलग बात है कि एसआईटी के गठन होने के बाद आज तक उसके पेपर लीक की कोई जांच नहीं हुई। जेएसएससी जेई की परीक्षा जो पूरी तरह से रद्द कर दी गई, वो भी इन्हीं लोगों ने किया था, और उसका एक कांड संख्या 227/22 रजिस्टर्ड भी हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति पकड़ा गया, लेकिन और उससे आगे किसी भी कार्रवाई नहीं हुई। अन्य राज्यों में जहां भी पेपर लेके घटनाएं हुए हैं, मास्टरमाइंड तक पकड़ा है, लेकिन यहां किसी को नहीं पकड़ा, कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। एसआईटी की जांच भी उसी तरह ठंडे बस्ते में चली गई। लैब असिस्टेंट में कई एक गड़बड़ियों की हम लोग ने बात करी है। 80 मार्क ला करके एक अभ्यर्थी जनरल में क्वालिफाई कर गया और अपना होम डिस्ट्रिक्ट उसको पोस्टिंग मिल गया, वहीं 130 नंबर ला करके जो लोग जो है सड़क पर हैं उनको नहीं मिला है। ओएमआर सीट भी अपने पास में है, अगली बार ओएमआर सीट भी आप लोगों के लिए हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। जैसे सी पीजीटी में जो क्वालिफाई हुआ है उसमें मूक बधिर भी बोलने लगे हैं, जिनका सिलेक्शन मूक बधिर कैटेगरी में हुआ है, मूक बधिर के रूप में जिनको नौकरी या जिनको पात्रता दी गई है, उनसे फोन से बात करिए तो फोन से बात कर रहे हैं। एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला इस राज्य के अंदर जब से सरकार बनी है तब से लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाला सरकार, 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके सरकार में आने वाला सरकार, ये नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसे बड़बोलापन बोलने वाली सरकार आज युवाओं के नौकरी देने की बात करके नौकरी बेचने का काम कर रही है। बात नौकरी देने का हुआ था, लेकिन काम नौकरी बेचने का हो रहा है। एक पूरा गिरोह यहाँ काम कर रहा है, उसका मास्टरमाइंड कौन है? लगातार जो परीक्षाएं रद्द हुई, परीक्षाओं में धांधली हुई, परीक्षाओं में जांच बैठी, परीक्षाओं को लेकर के युवाओं ने आक्रोश दिखाया, इसका मास्टरमाइंड कौन है? कौन इसको संरक्षण दे रहा है? इसका आज तक कहीं से भी जांच अपना जो है मुकाम तक नहीं पहुंचा है। वो एसआईटी की जांच हो, चाहे फिर अपना जो एफआईआर हुआ है एफआईआर की जांच हो, कोई आगे नहीं बढ़ा है। कुल मिलाकर के सरकार जो है इस सरकार के ही इशारे पर जैसे सी के ओ जो है सिर्फ प्रयोग का एक टूल बना करके कर रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार इन सारे विषयों की जांच करे। पीजीटी की परीक्षा जो धांधलियां सामने आ रही है उसकी जांच करिए। जब तक जांच ना हो, नियुक्ति ना हो, यह करिए, क्योंकि अगर नियुक्ति दे दीजिएगा तो बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ अंधकारमय भविष्य हो जाएगा और उनका सपना टूट जाएगा। आप फ्री एंड फेयर जो हम लोगों ने अपने गवर्नमेंट में नौकरियां दी थी, एक भी एग्जामिनेशन में कदाचार का एक भी विषय नहीं आया था रघुवर दास की सरकार में, और लाखों नौकरियां हम लोगों ने दी थी, आज वो सब नियोजित है, नौकरियां कर रहे हैं। जब से सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी में सभी एग्जाम्स कटघरे में खड़े हैं, और एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं रांची और अगल बगल हजारीबाग तक सीमित होता है। आज जैसे नीट के मामले ओएसिस संस्था तक आना हो या सीबीआई की एंट्री झारखंड में होनी हो, उनसे इन्हीं लोगों का सूत्र जुड़ा हुआ है। मेरी ये मांग है छात्र हित में और राज्य के हित में कि राज्य की सरकार ये जो जेपीएससी जेई सीजीएल से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर पीजीटी, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जाँच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, एसआईटी नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इसकी जांच जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई से सरकार आग्रह करे कि भाई इस जांच को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीज़ों का भी आप जोड़ लीजिए, इनका भी जाँच आप ही करिए। ऐसा राज्य सरकार से मैं डिमांड करता हूँ। अगर आप चाहते हैं, आप पाक साफ हैं और आप चाहते हैं कि भाई एक हम युवाओं को एक ऐसी व्यवस्था दे जहां से क्षमतावान योग्यतावान बच्चे ही बिना किसी पैरवी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के,
बिना किसी सेटिंग के अपने पात्रता के हिसाब से नौकरियां प्राप्त करें और झारखंड की सेवा करें, तो आपको यह करना चाहिए कि भी आज इसकी सीबीआई जांच जो चल रही है, जिसमें लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, वो आप करें। नहीं तो आपके संरक्षण में जो चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर के झारखंड की जनता और विशेषकर युवा वर्ग बैंकर आक्रोश में है और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी किंगपिंग को पकड़ाना चाहिए। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं सेटिंग के दम पर, मैं उनको यह अपील भी करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ। देखिए, गलत चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। बगल के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीचर की नियुक्ति घोटाला हुई थी और लोगों ने पैसा दे करके नियुक्ति प्राप्त की थी, आप देखे होंगे कई एक मंत्री से लेकर सरकार के लोग जेल के अंदर गए और बाद में वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी गई, पैसा भी गई, उनका जेल तक जाना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे किसी भी दलाल या किसी भी इसके चक्कर में ना फंसते हुए आप अपने योग्यता क्षमता के अनुसार एग्जाम लिखिए और पास होइए। नहीं तो 4 महीने के बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नौकरियां प्राप्त किए हैं और ये साबित हो जाता है भ्रष्टाचार करके किए हैं, तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसको भेजने वाले लोग भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ। ये पूरी जो ये वानगी है, ये जो पूरा जो तथ्य है, ये सारे तथ्यों को ध्यान पर रख करके हम एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीन पास पीएचडी की परीक्षा, अभी इसमें भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि भाई क्या हो। ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सेटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह की परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा में विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है, कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात छन करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा कोकस चल रहा है और झारखंड के झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले ही उसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया, और दूसरा जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां पैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, तो उसका मनोबल घटता ही है, साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है। तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने प्रूफ सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे, अगर जांच हो इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, हम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पे जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल ही रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोभ लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा ले करके आपको जो नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.